जनगणना के पक्ष में थे नहीं। हमने तो हमेशा हिंदुस्तान को एक माना है, और अब तो प्रधानमंत्री जी ने अपने जो तय करती है कि युवा, महिलाएं, किसान और गरीब चार वर्ग हैं हमारे देश में, वो अपना जो फोकस करना है वो इन चार वर्गों पर करना उन्होंने बता दिया। जातिगत वर्णा करके तो ये देश को पाड़ते हैं, और ये देश को पाड़ने के एक्सपर्ट हैं। पहले इन्होंने 1947 में देश को पाड़ा, हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग किया, 10 लाख लोगों को मरवाया, कई करोड़ लोगों को घर से बेघर किया। फिर इन्होंने 1984 में भाइयों को भाइयों से लड़वाया, हिंदुओं को सिखों से लड़वाया, और तब इन्होंने लगभग 3000 सिखों का का कत्ल करवाया। फिर अब ये जातियां बढ़वाना चाहते हैं, कभी ये उत्तर और दक्षिण बढ़वाना चाहते हैं। इनके पास कोई भी जो विकासात्मक योजना नहीं है, केवल ये भावने भड़काकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को मालूम नहीं है कि उनके दादा दादी क्या करते रहे इस देश के साथ। अमित शाह जी ने जो बताया, उन्होंने लाइब्रेरी से लाके किताब का पन्ना दिखाया, जो कि पूरी तरह से सबूत है, जिसमें लिखा हुआ है। अब राहुल गांधी पता नहीं कौन से इतिहास की बात करते हैं। नहीं, इन्होंने तो कश्मीर को जन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन भला हो मोदी सरकार का, भला हो अमित शाह जी का, जिन्होंने वहाँ से 370 हटाकर उसको दोबारा अपने स्वरूप में ला दिया। गर्भ बर्रुए जमी अस्तो हमी अस्तो। इस धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो श्रीनगर में है, वो यही है। ये कहा गया, और उसको स्वर्ग को वो जन्म कह रहे हैं, इससे उनकी मानसिकता पूरी तरह से का पता लगता। सुरजेवाला ने कहा है कि इसी का मतलब इलेक्ट्रोल क्रेडिबिलिटी होता था, लेकिन आजकल इलेक्शन कंप्रोमाइज हो गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है इसी ये जो सुरजेवाला जी है, ये इनके ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा प्रभावी हो चुकी है, और जब ये मुंह खोलते हैं तो नेगेटिविटी की वाइब्स हैं वो बाहर आती हैं जब भी ये मुंह खोलते हैं। चुनाव आयोग अपना काम सही तरीके से करता है, अब उसके ऊपर भी टिप्पणियाँ करना और चुनाव हार जाना, तो कभी चुनाव आयोग पे टिप्पणी करना, कभी वोटिंग मशीन के ऊपर टिप्पणी करना, ये